सो हेलो माय डियर बच्चा हाउ आर यू ऑल गाइस आई होप्स आप सभी बच्चे सुपर डुपर बढ़िया होंगे और स्वागत है आप बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर और आज जिससे पहले की चीज़ों की बात करें तो हम लोग ये सारा मैटर चीज़ें अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कर चुके हैं और जी बिल्कुल आज हम लेगबी के अंदर से एल और जी यानी कि जानने वाले हैं लोकल ग्लोबल के बीच में अंतर इनका मतलब ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है ये सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल आज ही की क्लास में करने वाले हैं एंड यहाँ पर आपको बता दें कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं क्लास ट्वेल्व कंप्यूटर साइंस का कम्प्लीट सिलेबस तो चलिए फिर शुरू करते हैं अब देखिए यहाँ पर आपका एक किस्सा शुरू होता है और किस्सा कहता है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल एक वेरिएबल का स्कोप कहाँ कहाँ है तो आपको अगर डेफिनेशन पढ़नी है तो आप पढ़ लीजिए क्योंकि आपको सारी चीज़ें अभी प्रैक्टिकल में मैं समझा दूंगी कहता है कि पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम इन विच अ वेरिएबल कैन बी यूज इज़ कॉल्ड द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल एक वेरिएबल का स्कोप क्या कहलाता है कि वो प्रोग्राम के किस किस हिस्से में यूज़ हो सकता है कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो सिर्फ फंक्शन के अंदर आपने डिक्लेयर किए और वहीं पर उनको यूज़ कर सकते हैं आउटसाइड द फंक्शन आप उनको यूज़ नहीं कर सकते कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज है जो कर सकते हो तो हम इन्हीं वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में यहाँ पर चीजें जानने वाले हैं थोड़ा सा एक बार आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें जानते हैं देखिए अभी जो हम चीज़ें करने वाले हैं ना उसमें हम स्कोप देखने वाले हैं तो यहाँ पर आपके लेग भी रूल की स्टार्टिंग हो जाएगी एल फोर लोकल E4 फोर एंड जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नॉन लोकल बोल सकते हैं और फिर G4 फोर ग्लोबल जिसको हम मॉड्यूल स्कोप बोल देते हैं और B B4 फोर इन स्कोप ठीक है अब लेग भी पूरा रूल तो हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे यहाँ पर मैं आपको लोकल और ग्लोबल के बीच में अंतर है ना उसको बता देती हूँ अब ये दो शब्द जो यूज़ हो रहे हैं लोकल और ग्लोबल इनका आखिरकार मतलब है क्या इसके लिए हम अपना पाइचाम ओपन करते हैं और मैंने एक फंक्शन बनाया लेट सपोज कोई भी नाम से बना लिया सिंपल नाम से बना लिया ठीक है अब इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है आ, मैं क्या कर रही हूँ सी इज इक्वस टू ए प्लस बी कर रही हूँ ठीक है तो इसमें ए की वैल्यू मैंने रख दी दस एंड मैं इसको क्या कर रही हूँ प्रिंट किसको? C सी को एंड अब मैं यहाँ पर बी इज इक्वस टू ट्वेंटी एंड प्रिंट क्या कर रही हूँ प्रिंट नहीं सिंपल फंक्शन को कॉल कर रही हूँ ठीक है सिंपल फंक्शन कॉल हो रहा है ठीक है तो हमारे पास में आंसर देखते हैं पहले तो थर्टी आ रहा है ठीक है ओके okay, कूल cool. अब मैंने आपको यहाँ पर जो चीज़ बतानी है ना आप उसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे देखिए क्या चीज़ हो रही है आ, अभी हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं नहीं तीन किए हैं ठीक है अब इसमें से ये जो बी है ना ये क्या है ये आपका जी फोर ग्लोबल है यानी कि इसका जो स्कोप है ना कहाँ पर है वो पूरे फंक्शन के अंदर कहीं पर भी यूज़ हो सकता है आप कॉल करके इस फंक्शन के अंदर गए इस फंक्शन के अंदर ए और सी नाम के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हैं अब ये दोनों क्या है एल फोर लोकल हैं ये दोनों इनकी जो लाइफ है ना वो इस फंक्शन के अंदर ही शुरू और अंदर ही खत्म यानी कि इनमें से दोनों में से कोई भी अगर आप बाहर फंक्शन के यूज़ करना चाहते हैं तो आप उनको यूज़ नहीं कर सकते राइट right? यानी कि क्या होगा ये दोनों है ना जो वो फंक्शन के अंदर ही है बाहर जाते ही इसका स्कोप खत्म हो जाता है और आपको एरर आ जाएगी जैसे कि अगर हम इनको यूज करने की आ, कोशिश करें भी जैसे कि मैं प्रिंट करती हूँ सी को तो आ, ये चलाने से पहले ही देखो ये इससे मेरे को बोल दिया कि ऐसा नहीं हो सकता सी इज नॉट डिफाइंड आप ए को भी करोगे तो भी नहीं तो मतलब ये जो बी है ना ये आपका क्या है ग्लोबल है और अगर आप बात करते हो इस ए की या इस सी की ये क्या है ये आपके लोकल हैं यानी कि इस फंक्शन के अंदर ही उनका जन्म हुआ और यहीं पर उनको जानते हैं यहाँ से जो काम कराना है आप कराओ लेकिन फंक्शन के बाहर आप लोकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका जो स्कोप है वो उतना सा ही है फंक्शन के अंदर का लेकिन व्हाट अबाउट बी बी को आप पूरे फंक्शन में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो राइट ओके सो अब हम इसके लिए कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको सोचना होगा विचारना होगा आ, क्या चीज़ हुई हमने एक फंक्शन बनाया उसको कॉल किया अब हमने इसमें x में 10 डाल दिया यूज़ किया इसको 10 प्रिंट हो भी जाएगा अब हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पर इस x को यूज़ करते हैं दिस इज योर लोकल ये क्या है लोकल है इसकी जो लाइफ है ये एफ यू एन सी टी फंक्शन के अंदर है आप दूसरे फंक्शन के अंदर इसको बुला करके इसको प्रिंट नहीं करा सकते बिकॉज ये कोई ग्लोबल थोड़ी है ग्लोबल का कहीं पर भी यूज़ हो सकता है पूरे प्रोग्राम में इसका जो यूज़ है ये इसी फंक्शन में इसका जन्म हुआ इसी में ही फिनिश हो जाएगा ये ठीक है ओके okay. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लोकल है जो वो बिल्कुल फंक्शन के अंदर ही उनकी लाइफ साइकिल है लेकिन ग्लोबल का यूज आप कहीं पर भी पूरे फंक्शन के अंदर कर सकते हो जैसे कि एड फंक्शन को कॉल किया ओके okay. सो so यहाँ पर ए पंद्रह है और ए दस है ये बाहर है ये ग्लोबल है फंक्शन की बॉडी के बाहर है जो वो वो ग्लोबल है फंक्शन की बॉडी के अंदर है दैट इज लोकल लोकल और ग्लोबल दोनों का नाम सेम हो सकता है ठीक है ओके सो की पॉइंट्स आप यहां पर ध्यान रख ली जी एके अ वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड अ फंक्शन विच इज कॉल्ड क्या ग्लोबल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट उसका नाम ग्लोबल होगा मतलब ग्लोबल है कहीं पर भी यूज कर सकते हैं हम ग्लोबल कीवर्ड का जो कि अभी यूज हमने किया नहीं है एक ग्लोबल नाम का कीवर्ड है उसका यूज हमने किया नहीं है uh, उसको हम फंक्शन के अंदर यूज करेंगे जब हमें ग्लोबल की वैल्यू में कोई मोडिफिकेशन करना है यानी कि आप ना केवल यूज़ कर पा रहे हैं आप उसमें वैल्यू में चेंज भी कर सकते हैं अगर आपने ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ किया जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ बिना ग्लोबल कीवर्ड के आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं उसके अंदर और बाय द वे अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आप कर सकते हैं बट अगर आप कोई चेंज करेंगे तो वो लोकल में चेंज हो पाएगा ठीक है जो उसका लोकल है लोकल में तो ऑफकोर्स चेंज कर सकते हैं ग्लोबल में कोई चेंज नहीं कर सकते खाली हम उसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है बिफोर कॉल ग्लोबल शुड बी डिक्लेयर ये बहुत पॉइंट ध्यान में रखने वाला है ऐसा है कि अगर आप इस पॉइंट की बात करते हो तो ऐसा है कि अगर मैंने कंट्रोल uh, एक्स करके इसको बाहर बाद में मैंने इसको डिक्लेयर किया ठीक है अब मैं अगर इसको रन करती हूँ तो अब ये मेरे को एरर दे देगा ये कहेगा बी कौन है बिकॉज इंटरप्रेट लैंग्वेज है तो इसमें कॉल पहले हुआ काम हुआ लेकिन उसको आप डिक्लेयर बाद में कर रहे हो ऐसा नहीं हो सकता हमें कॉल करने से पहले ग्लोबल को डिक्लेयर करना होगा अगर हम फंक्शन के अंदर उसको यूज कर रहे हैं बखूबी राइट uh, right. तो ये दो चार चीज़ें हो गई अब uh, मैं इनकी डेफिनेशन की बात करूँ तो अ वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड अ फंक्शन विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल विदाउट ग्लोबल कीवर्ड अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड लोकल बाई डिफ़ॉल्ट ठीक है अगर हम ग्लोबल कीवर्ड के बिना यूज़ uh, कर रहे हैं हमारे ग्लोबल को तो हम यूज़ कर सकते हैं बट अगर हमें कोई भी चेंज करना है मोडिफिकेशन करना है उसके लिए हमें इस कीवर्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा uh, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको समझाऊं जैसे कि ये वाला आपने यहां पर यूज किया हुआ है देखिए आप डी को कॉल करते हो आप बखूबी एक्स को यूज कर सकते हो मतलब यह क्या है ग्लोबल है तो आपने इसको यूज किया कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आपने कहा कि मैं इसमें बदलना चाहती हूं इस एक्स का बीस बनाना चाहती हूं तो यह नहीं अलाउ करेगा आप एक ही शर्त पर अलाउ कर सकते हो जब आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज करोगे जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाली हूं ठीक है अब मैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी अब आपको पता है कि दोनों यूज़ होकर के जो आंसर प्रोड्यूस करना है वो करेंगे अब हमारे मन में आता है कि हम क्या करते हैं बी प्लस इज इक्व टू टेन मतलब बी में मैं चेंज करना चाह रही हूँ तो अगर मैं ऐसे करूंगी तो ये हमें जो है इसके लिए परमिशन नहीं देगा तो हम जो है यहाँ पर अगर बी को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा मतलब बी इज इक्व टू मैं ऐसा कर सकती थी लोकल ग्लोबल का नाम सेम हो सकता है ठीक है अब ऐसे में क्या है एरर नहीं आई क्योंकि ये नाइनटी नाइन आपका लोकल है ये जो बी है दैट इज योर लोकल ये बाहर वाला भी इज योर ग्लोबल इफ यू वॉन्ट टू चेंज ये वाला भी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर ग्लोबल कीवर्ड के बाद में आपको बी लिखना पड़ेगा अब आप इसके अंदर कोई भी चेंज कर सकते हो ठीक है तो अब अगर आपने उसमें जो भी चेंज किया तो आपका चेंज करके आंसर आएगा जो कि मैं आपको यहां पर समझाती हूं ओके okay, कि इसके अंदर आपका आंसर ये कैसे आया ध्यान से ध्यान दीजिए क्या चीज होती है आपका ये क्या है ग्लोबल है आप यहां से यहां गए बी uh, लिखना था आ, uh, ये आपका क्या है लोकल है और ये क्या है ये आप ग्लोबल में चेंज कर रहे हो तो यानी कि ग्लोबल अभी चेंज हो जाएगा तो ये दस आ, बीस था पहले तो कितना हुआ तीस हो गया तो यानी कि थर्टी चेंज हो गया अब आप क्या कर रहे हो ए ए में क्या है दस अब आप क्या कर रहे हो बी बी में क्या है तीस तो ये कितना हुआ फोर्टी तो किस में चला गया सी में सी इज अगेन लोकल है तो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया ठीक है अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं क्या कि अगर मैं प्रिंट करती हूं बाहर आकर के बी को तो क्या प्रिंट होगा आपके लिए ऑप्शन है ट्वेंटी आपके लिए ऑप्शन है थर्टी आपके लिए ऑप्शन है फोर्टी या फिर आपके लिए ऑप्शन है दस और या फिर आपके लिए ऑप्शन है एरर आप ए बी सी डी ई नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे वीडियो को पॉज करके ओके सो पॉज के बाद में आप आ गए होंगे मेरे पास में अब हम चलिए इसको करके भी देख लेते हैं तो अगर हम इस बी को प्रिंट करेंगे तो क्योंकि ग्लोबल की वैल्यू अब बीस नहीं तीस है तो वो बिल्कुल क्या प्रिंट कराएगा तीस ही प्रिंट कराएगा ठीक है तो आपके फंक्शन के अंदर आपने ग्लोबल नाम के कीवर्ड ग्लोबल का जब भी कीवर्ड का यूज करना है ना इट मीनस कि आप अब ग्लोबल कीवर्ड की वैल्यू को बदल सकते हो चेंज कर सकते हो राइट right. तो जब वैल्यू आपकी चेंज हो गई तो बस हो गई ना ठीक है अब आप उसको जहां पर भी फंक्शन के बाहर अंदर यूज करोगे तो वो चेंज हुई वैल्यू के अंदर ही करेंगे मतलब काम करेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो बी प्रिंट होगा वो बदली हुई वैल्यू होगी ठीक है लेकिन अगर हम इससे पहले इसको लगा देते हैं अभी क्या आंसर आएगा अब आपके पास में हैश ट्वेंटी आएगा, आएगा आंसर यहाँ से आप कॉल करके इसके पास गए दिस इज योर योर लोकल ए आपने ग्लोबल लगाया तो यानी कि ग्लोबल में चेंज होगा तो अब ग्लोबल में चेंज हुआ उसमें बीस ऑलरेडी है दस जोड़ करके कितना हुआ बीस और दस यानी कि तीस हो गया ठीक है तो अब आपने क्या किया हैश तो यानी कि तीस और दस यानी कि चालीस अब आपके पास में क्या प्रिंट होगा हैश 40 प्रिंट होगा तो मतलब अभी फिर वापस आते हो आप इस फंक्शन के बाद वाली लाइन चलेगी तो क्या प्रिंट होगा अभी आपके पास में आ, आपने बी के अंदर चेंज किया था तो 30 तो इट मीन्स आपके पास 20 40 30 प्रिंट होना चाहिए 20 40 और 30 प्रिंट हुआ ठीक है तो यानी कि एक बार आपने फंक्शन कॉल करने से पहले उसको प्रिंट कराया अब ग्लोबल कीवर्ड आपने यूज़ किया फंक्शन की बॉडी के अंदर और वहां पर चेंज किया तो फिर ग्लोबल आपका चेंज हो गया तो मतलब ग्लोबल की आप तब भी यूज़ करेंगे जब आपको चेंज करना है खाली अगर सिंपल आपको यूज़ यूज़ करना है जैसे मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अब क्या होगा यहाँ पर बीस प्रिंट हुआ आप सिंपल फंक्शन को कॉल किया 10 और बी के अंदर क्या है आपके पास में 20 तो 20 और 10 कितने हुए 30 आ गया तो आपके पास यहाँ क्या प्रिंट हुआ 30 फिर आप वापस आएंगे तो अब बी के अंदर क्या है बीस तो आपके पास में बीस तीस बीस प्रिंट होगा क्योंकि ग्लोबल कीवर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है सिर्फ ग्लोबल कीवर्ड की वैल्यू के ग्लोबल के अंदर बदलाव करना चेंज करना ठीक है और अगर आप ग्लोबल नहीं यूज कर सकते तो खाली आप उसको यूज कर सकते हो ग्लोबल को हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं ठीक है अब इन चीजों को हम समझेंगे आ, पहले वाले में क्या हुआ दिस इज योर लोकल फंक्शन कॉल होता है ये क्या है uh, नहीं लोकल नहीं है सॉरी दिस इज ग्लोबल एंड दिस इज योर लोकल यहां पर क्या प्रिंट होगा बीस प्रिंट होगा बाहर आओगे तो यहां पर क्या प्रिंट होगा बिल्कुल दस प्रिंट होगा ठीक है मतलब बाहर ये अपना ग्लोबल ही तो प्रिंट कराएगा ना अब हम क्या करते हैं ये ग्लोबल है आप यहां पर गए आपने कहा ग्लोबल है तार जुड़ गए यानी कि ग्लोबल चेंज होगा तो बीस किया तो बीस का मतलब है कि अब ये जो ग्लोबल है ना ये बीस हो चुका है तो अब यहां पर क्या प्रिंट हुआ बीस यहां पर क्या प्रिंट हुआ बीस राइट right? इसको हम एक बार करके भी है जो देख लेते हैं ठीक है मैंने वैसे करके देख लिया है बट हम आ, क्या लिखा हमने ग्लोबल ठीक है ग्लोबल बी तो बी इज इक्वस टू हंड्रेड ठीक है तो सॉरी बी इज इक्वस टू हंड्रेड तो अब मैं इस बी को प्रिंट कराती हूं तो आपके पास में क्या प्रिंट होगा ट्वेंटी हंड्रेड एंड हंड्रेड ठीक है सो ट्वेंटी हंड्रेड एंड हंड्रेड सो इट मीन्स टू से इफ़ यू वॉन्ट टू डू एनी मोडिफिकेशन सो वी कैन डू ऐसे इस तरीके से हम इसमें प्लस कर देते तो वो उसी में मतलब हमारा बीस में जुड़ जाता हमारा दस सौ सॉरी है ना तो हमारे पास फिर सौ और बीस एक सौ बीस हो जाते राइट तो अब आपको क्या चीज़ समझ में आई आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई इसके अंदर से कि ग्लोबल कीवर्ड लगाने से वी कैन डू मोडिफिकेशन और लोकल का जो स्कोप है वो फंक्शन के अंदर अंदर है सिर्फ उसी की बॉडी के अंदर बाहर उसको कोई नहीं जानता है ठीक है जैसे मेरी गली में कोई शाहरुख है है ना तो उसको आप नहीं जानते हो ना तो वो क्या है मेरी गली का लोकल है लेकिन अगर मैंने कहा शाहरुख खान है ना मेरी गली में कोई शाहरुख नहीं रहता है तो सारे सोचेंगे अच्छा मैं उस शाहरुख की बात कर रही हूँ तो शाहरुख क्या होंगे ग्लोबल हो गया उसको कहीं पर भी बोलोगे तो सारे उसी शाहरुख की बात करेंगे लेकिन मैं अपनी गली में बात कर रही हूँ अगर शाहरुख है यहाँ पर तो सब मेरी गली वाले शाहरुख की बात करेंगे अगर गली में शाहरुख नहीं है और मैं जोर से चलाऊ शाहरुख तो सब बोलेंगे वो मुंबई वाले की बात हो रही है ना तो बिल्कुल आप कैसे भी इसका एग्जाम्पल जो है समझ सकते हो अब इसको अच्छे से देख लेना आ, लोकल आ, सबसे पहली जो प्रायोरिटी मिल रही है ना वो लोकल को मिल रही है यानी कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं डेफ एक्स वाई जेड आपके पास फंक्शन है आपने कहा ए इज इक्व टू दस और आप प्रिंट करेंगे ए को और ए में पांच है ठीक है और आप एक्स वाई जी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं प्रिंट करेंगे मान लीजिए ए को ही तो अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है ये हमारा ग्लोबल हो गया अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये क्या है ये आपका लोकल है तो पहली प्रायोरिटी किसकी है लोकल की तो अभी ए में दस प्रिंट होगा ठीक है और यहाँ पर पाँच प्रिंट होगा बट यदि यहाँ पर ऐसा होता डेफ एक्स वाई जेड और प्रिंट आप ए करते और यहाँ पर ए इज इक्व टू फाइव और एक्स वाई जेड और प्रिंट ए कर रहे होते तो अब इसके अंदर इसका लोकल नहीं है ना तो वो बाहर जाएगा इनक्लोजिंग नहीं है क्योंकि नेस्टर्ड यूज़ नहीं हो रहा तो ग्लोबल की को प्रिंट करेगा तो अब यहाँ पर आपका पांच प्रिंट हो रहा होगा एरर नहीं आएगी इस केस में यहाँ पर भी पांच तो मतलब जब आ, लोकल नहीं है और हमने ग्लोबल को अंदर यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं अगर लोकल यूज़ किया है तो भी हम यूज़ करना चाहते हैं ग्लोबल कीवर्ड से हम उसको यूज़ कर सकते हैं और ग्लोबल और लोकल के नाम सेम हो सकते हैं ग्लोबल कीवर्ड यूज हम तब कर रहे होंगे जब हमें बदलना होगा ग्लोबल की वैल्यू को ठीक है और ग्लोबल कीवर्ड से हम ना केवल यूज कर सकते हैं बदल भी सकते हैं और अगर मेरे दोनों जो लोकल और ग्लोबल है उनका नाम सेम है तो आ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है सेम और फंक्शन की बॉडी के अंदर जो है जैसे कि ये इन दोनों का नाम सेम था ना तो ये क्या है ये लोकल ही रहेगा ये फंक्शन के बाहर है ये ग्लोबल ही रहेगा ठीक है तो ऐसा हो सकता है तो अगर मैं यहाँ पर मेरे पास में आ, लोकल आ, मैंने डिक्लेयर नहीं किया है तो अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो ये ग्लोबल मेरा ऑटोमेटिकली यूज़ हो रहा है यूज़ हो रहा है चेंज के लिए ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करना था आई थिंक अभी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी एंड अगली क्लास के अंदर बिल्कुल हम लोग लेग रूल के अंदर इनक्लोजिंग uh, और और इन को समझने वाले हैं कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एंड सब्सक्राइब द चैनल